चरखी दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दें। चरखी दादरी में रोहतक चौक पर हल्का बारडा विधायक श्रीमती नन्ना चौटाला का पुतला फूका गया है। नन्ना जो पुतला फूका है लग गया है, सरकार मुआवजा दे देगी इस तरह लेकर। ICS कोचिंग सेंटर, वेयरहाउस रोड, MC कॉलोनी, चरखी दादरी। नमस्कार, चरखी दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें। चरखी दादरी में रोहतक चौक पर हम मौजूद हैं और यहां पर नन्ना चौटाला का पुतला फूका गया है। आखिर बारडा हल्के से जो विधायक नन्ना चौटाला, उसका पुतला क्यों फूका गया है? देखो, मुआवजे के अंदर जो कटौती करी गई है, 80% किसानों का मुआवजा काट दिया सरकार। किसानों को ऑनलाइन फंडिंग के अंदर डाल करके किसानों को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश रच रही है। दादरी क्षेत्रवासी किसानों से हमारी अपील है कि इस ऑनलाइन फंडिंग के खिलाफ सारे हरियाणा से आवाज़ उठनी चाहिए कि ऑनलाइन का जो मामला है वो किसानों के साथ नहीं चलाया जाए। ऑनलाइन पोर्टल की वजह से किसान अपनी स्कीमों से वंचित रहते जा रहे हैं। किसानों का 80% मुआवजा काट दिया और जो फर्जी किसान थे अपने इनके नीचे वर्करों के इन्होंने पैसे डाल दिए और उसका ड्रामा किया जा रहा है कि दादरी जिले को सबसे ज़्यादा मुआवजा दे दिया। 217,89,58,000 रुपये का बजट था हमारा और उसमें से 49 करोड़ में से भी बहुत बड़ा घपला पा होगा, मुश्किल से 10 करोड़ रुपये बांटे होंगे, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर कहीं कोई डाटा नहीं है, ना किसानों का पता किस गांव में कितने पैसे आए। 5-5, 10-10 किसानों के गांव के पैसे डाल रखे हैं। ये पूरा का पूरा ड्रामा है कि भाई किसानों को मुआवजा दे दिया, लेकिन मुआवजे के नाम पर बहुत बड़ी लूट है। इसका बजट भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। ये पूरे बजट विधायक और जनप्रतिनिधि हैं जो मंत्री मुख्यमंत्री खान लग रहे हैं, किसानों को कुछ नहीं दे रहे। किसानों के सिर्फ खोखले कागजी दावे पेश किए जा रहे हैं कि किसान हितैषी सरकार है। एक तरफ तो कह रहे हैं MSP दे रहे हैं, दूसरी तरफ MSP अगर किसान मांगता है तो उनको लाठियां बांधी जाती हैं और जेलों के अंदर डुसा जाता है। इस तानाशाही सरकार को जवाब देने के लिए किसानों को खड़ा होना पड़ेगा। पूरे देश का किसान एकमत होकर खड़ा होगा तो इस तानाशाही का कड़ा जवाब देंगे। दादरी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि बन गए। आज 31 तारीख को मुआवजा डला था जो मैसेज दिए गए हैं, लेकिन आज 10 तारीख तक किसी भी जनप्रतिनिधि की तरफ से ये मांग नहीं की गई कि किसानों का 80% मुआवजा क्यों काटा गया। 80% किसानों के मुआवजे के अंदर जो कटौती है उसके ऊपर जो चुप्पी साधना है, सीधी बात है, अपने स्वार्थों को सिद्ध कर रहे हैं। ये जनता ने इनको चुना था कि हमारे वकील बन के हमारी आगे जाके वकालत करेंगे। देखिए, भारत देश की सरकारों को होना तो ये चाहिए, जब भी अन्नदाता की फसलें खराब हो तो खुद संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी उनको मुआवजा मिल जाए, लेकिन इसके विपरीत हो रहा है। आज चरखी दादरी में रोहतक चौक पर हल्का बारडा विधायक नन्ना चौटाला का पुतला फूका गया है और कहीं ना कहीं मुआवजे में गड़बड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं। पूर्व सरकारें जिस प्रकार से APR के आधार पर जो मुआवजा दिया करती, अगर इन्होंने मुआवजा देना होता तो APR रिपोर्ट क्यों तैयार करवाई? उसके अनुसार 217,89,58,000 रुपए देती, तब जाके किसानों को ये पता चलता कि भाई तुम्हारे के ऊपर मरमों के ऊपर जख्मों पे मरम लगाया है। जी, कुछ और लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, कहां से हैं? गसोला। किस कारण से पुतला फूका गया है? मुआवजे के लिए। मुआवजा अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला। काफी किसानों को तो मिल भी चुका है। न किसे न मिले को, एक गाँव का लेकर देते ही दिया है और किसे न दिया। जी जी सर, राजेश कुमार, जिला अध्यक्ष की दादरी, बलकरा से। आखिर पुतला आज नन्ना चौटाला का क्यों फूका गया यहाँ पे? सर, मेरा कहना ये है कि जवान और किसान, इस देश का आधार जवान और किसान। जवान और किसान के साथ शोषण मत करो, और हम और ज़्यादा मांग नहीं करते, सिर्फ जवान और किसान को साथ शोषण मत करो। किसान तिचीर के अन्न पैदा करता है, उसके साथ भी शोषण नाजायज, बहुत गलत बात है कि जमीन को चीर के फसलें पैदा करता है। ऐसे में किसान का कभी भी शोषण नहीं होना चाहिए। कुछ और बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से होता हूँ, कौन पुरुषा है? चरखी गांव है। मुआवजा नहीं मिला है? हाँ। तो आज के प्रदर्शन करा रहे हो चौक पर? ये नन्ना जो पुतला फूका है लग गया है, सरकार मुआवजा दे देगी इस तरह लेकर। भाई किसान इकट्ठा होगा जरूर देगी सरकार। देखिए, किसानों को एक होने के लिए कही जा रही है कि जब किसान एक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तब सरकार को जरूर झुकना पड़ेगा। आखिर कब तक ये मुआवजा मिल जाने की मांग आप कर रहे हैं? गठबंधन सरकार नहीं, ठगबंधन सरकार है, ये घोटालों की सरकार है। पहले रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, माइनिंग घोटाला, अनेकों घोटाले, और अभी ये मुआवजा घोटाला, क्योंकि
जो APR के आधार पर 217 करोड़ रुपए जो खट्टर साहब प्रदेश के मुखिया दादरी केंद्र आए थे, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था किसानों से जो 36 बिरादरी का कमेरा वर्ग है उसको एक दाने दाने की भरपाई करेंगे, और वह आज आपके सामने भारतीय किसान यूनियन पर आज छठे दिन इनका जो धरना जारी है दादरी केंद्र, और सिर्फ एक ही मांग है, हर जो गरीब आदमी कमेरा वर्ग है उसके हर चूल्हे तक जो मुआवजे की राशि हो पहुँचनी चाहिए, पर सरकार इसमें नाकाम रही है, तो हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि 36 बिरादरी ने आपको वोट दे के विधानसभा में भेजा गया था, उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए विधानसभा में और प्रदेश की सरकार से अपनी मांग रखें, नहीं तो आने वाले समय के अंदर आज हमने जैसे बाड़ला की विधायक नैना चौटाला, क्योंकि उनका बेटा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है, तो उनसे हम चेतावनी देना चाहते हैं, या तो बहुत जल्दी 217 करोड़ APR के ऊपर दादरी जिले के जो 172 गांव हैं उनको लाभ देने का काम करें, ना ये ढकोसला बंद करें, क्योंकि अभी जय जवान जय किसान। चरखी दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दें, चरखी दादरी में रोहतक चौक पर हल्का बाड़ा विधायक श्रीमती नैना चौटाला का पुतला फूका गया है। किसानों का कहना है मुआवजे में गड़बड़ी हुई है, काफी किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है, जब तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।